यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीट का मामला है। 7 सीट बीजेपी, 2 सीट सपा को मिलना तय माना जा रहा है। एक सीट पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यूपी में फिलहाल विधायकों की संख्या 400 है। बीजेपी और गठबंधन के पास 276 विधायक हैं। सपा गठबंधन के पास 117 विधायक हैं। एक सीट के लिए चाहिए 40 विधायकों का वोट। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के विजयपाल तोमर जाएंगे राज्यसभा। जीवीएल नरसिम्हा का टिकट कट सकता है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी का टिकट कट सकता है। सकलदीप राजभर का भी टिकट कट सकता है। डॉक्टर अनिल जैन का टिकट कट सकता है। हरनाथ सिंह यादव का टिकट कट सकता है। राज्यसभा में नए चेहरे उतार सकती है बीजेपी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय को जगह मिल सकती है। पिछड़े दलित वर्ग के चेहरों को भी मौका संभव माना जा रहा है। तो एक ऐसी सीट है जहां पर दोनों पार्टीज के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये कुल मिलाकर यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीट का मामला है और ये माना जा रहा है कि जो 7 सीट है वो बीजेपी के पाले में मिलना तय है, 2 सीट सपा को मिलना तय है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये 10 की 10 राज्यसभा सीट की बात की जाए तो अभी जिस तरह का सियासी गणित नजर आ रहा है उसके हिसाब से माने कि 7 सीट बीजेपी की, 2 सपा की और 1 सीट होगी जिस पर कांटे की टक्कर हो सकती है। देखिए बिल्कुल, अगर अभी की समीकरण की बात करें तो अभी का जो समीकरण है उसके अनुसार 7 सीटें पर बीजेपी बहुत आराम से जीत हासिल कर रही है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर रही है और अगर हम गणित की बात करें कि जो वोट गणित है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी फिलहाल तीसरी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसके पास अभी बहुमत के आधार पर करीब 7 से 8 वोट कम पड़ेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में तीसरी सीट को लेकर लड़ाई हो सकती है क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक हैं 2, बसपा के 1 विधायक हैं और इससे राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, ये सब किस तरफ जाएंगे ये भी एक अलग जो है संशोधन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ क्रॉस वोटिंग जो है वो भी हो सकती है, इसके भी आसार है। तो इन सब चीजों को लेकर हो सकता है कि जो 1 सीट है उस पर जबरदस्त फाइट देखने को मिले और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ जया बच्चन को दोबारा से जो है राज्यसभा भेज सकती है तो वहीं पर शिवपाल यादव को भी जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस तरह के भी समीकरण जो है वो साले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी से उन उम्मीदवारों पर जो है दाव लगाया जा सकता है जिनका टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव में काटा जा सकता है लेकिन वो अपने जातिगत टक्कर पर बड़े मजबूत है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल राज्यसभा का जो चुनाव है उसका जो गणित है वो काफी दिलचस्प हो गया है। ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।